राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। भाई फिलहाल की बात करें तो खड़े हैं बरवाड़ा थाना के अंदर और मेरे साथ में वॉइस चेयरमैन जो हैं बरवाड़ा नगर पालिका के तारा चंद नलवा जी खड़े हैं। के मैटर ने लेके सामने आए हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम भाई, नमस्कार जी। के पूरा मामला के है किस तरह, तो जो अभी बरवाड़ा थाना में अर्जेंट कॉल आई है और आप मीडिया भी बुलाया गया है थाने के अंदर। कुछ एक घंटों पहले जाखड़ साहब का हमारे भाई साहब डावर साहब के पास फ़ोन गया था, भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप तुरंत प्रभाव से थाने के अंदर आओ। तो इनके कॉल मेरे पास आए, इनके प्रधान जी ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने कहा चल चलते साथ में। तो मेरे साथ है जैसे एक डावर साहब से, एक हमारे अशीषा जी से, हमारे इंद्र जी से थे, हमारे शर्मा जी से और भी थे। तो हम आए के बैठे थे तो हमने जाखड़ साहब से बातें की, भी क्या बात है, किस लिए बुलाया। तो कंप्लेंट का कोई मामला था, उन्होंने हमारा कोई बात नहीं बताई, कोई बात नहीं हुई। उससे पहले पूरी पूरी पंचायत के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आया कि हम आपको इस अपने बयान साबित नहीं कर सकते कि जितना गलत बद्दा है व्यवहार हमारे पंचायत के साथ किया है। किसने बोला है? अशोक जाखड़ जी हमारे ऐसा ही थे। हाँ ऐसा ही है जी, उन्होंने इतनी बदतमीजी से गालियाँ दी है कि मेरे को भी गालियाँ दी, इनको भी गालियाँ दी। मैंने कहा भी पंचायत मेरे साथ आ रही है, हम पंचायती आदमी है, आप क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उठाकर धक्के दे के बाहर दे दिया और मेरे को भी गालियाँ दी जाती उसको गालियाँ। मेरे को शब्द बोले है उसको, मैं बयान नहीं करता क्या दिया मेरे को इस प्रकार से। तो अभी हमने अभी कंप्लेंट दी है थाने के अंदर पर्चा दर्ज के लिए, भी हमारे जो भी अखबार में होती है। अगर वॉइस चेयरमैन है जो नगर पालिका के, उनके साथ ऐसा बर्ताव है तो आम नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव होगा? तो यही देख कर हमने अभी आपको बुलाया जी, भी आप जैसे हमारे साथ ही ऐसा प्रभाव व्यवहार कर रहे हैं तो आम पब्लिक को क्या रास्ता देते होगे जी? आम पब्लिक को काम क्या करते होगे भी? हमारे को कुछ नहीं समझ रहे, हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आम पब्लिक को कहाँ इंसाफ है? इंसाफ की बात तो बात ही नहीं रही। पर्चा किसके खिलाफ दर्ज किया? पर्चा तो अशोक अपना एएसआई जाखड़ साहब है, उसके खिलाफ कराएंगे। इसके अलावा कोई किसी और ने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से थाने में से किसी और ने कुछ गलत बोला? नहीं नहीं, अशोक जाखड़ जी थे, अकेले बैठे थे और कोई नहीं था। उसके साथ एक बंदा और था जो नहीं कहा था, मेरे को पता नहीं, सतीश पावा जी बैठे थे, उनके पहले से ही समाज सेवी साथी है, वो इस बात का गवाह है कि अगर हमारा कसूर तो उसको बुला लो, पूछ लेंगे आगे। वो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं SHO साहब और DSP साहब और SP साहब से बात करूंगा, कहते आप किसी से बात कर लो, मैं यहीं बैठा हूं, ना मैं भागने वाला। हाँ कहते तुम जाओ, धक्के दे के बाहर निकाला है और यहाँ तक भी बोला है कि तेरे जैसे कई चेयरमैन फिरते हैं यहाँ तड़वे चाटते हुए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना इनको शोभित देता है क्या? अरे थाना जैसे समाज से भी साथियों के साथ ही चलता होगा, पंचायती तौर पे अगर फैसला हो जाए तो क्या गुनाह है? आप एक पार्टी की फेवर कर रहे हैं, ऊपर से उसी आदमी ने पैसे देने हैं, उसी आदमी की सारी गलती है, उसी की फेवर कर रहे हैं वो बंदा बैठा ऐसे। तो मुकदमा तो अलग चीजें हैं, वो चीजें देखो ना। पंचायती चेयरमैन साहब ने कहा कि ये पंचायत मेरे साथ है, एक बार भी नहीं सुनी, चार बार कहने के बावजूद भी पंचायत की बात तो सुनो कम से कम। उसने तो हमारी बात नहीं सुनी, उससे पहले इतना गर्म हो गया कि हम क्या बताए, हम थोड़ा हमने हमारे को एहसास हुआ अगर हम वहाँ पर दो मिनट रुकते ना तो हमारे पास वो थप्पड़ से भी मतलब हमारे साथ कर सकता था, अथापाई भी कर सकता हमारे साथ। बिल्कुल तो हम फालतू ना बोलते, इसीलिए हम तुरंत प्रभाव से बाहर आ गए। हम अभी आपने मतलब जो है एप्लीकेशन दे दी है? हाँ, हमने एप्लीकेशन दे दी। आगे की क्या कार्रवाई चाहते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे? अभी SHO साहब आ रहे हैं थोड़े समय में और कप्तान साहब से भी बात हुई है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, नहीं होती तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, रुकने वाले नहीं है। कर्मचारी देखो, कर्मचारी भाईचारे से पेश आते हैं तो हम भाईचारे के साथ हैं, अगर नहीं ऐसे पेश आएगा तो फिर अब रास्ता हमारे पास यही है, चाहे भले ही कहीं तक जाना पड़े, गृह मंत्री तक भी जाने की हमारी आशंका है, जाएंगे, लेकिन इस इनको बताएंगे कि कैसे पंचायत का आने के बाद अपमान करते हैं। तो भी फिलहाल की बात करें तो थाना में थे और लगातार आप देखने लग रहे हो, भी कर्मचारियों का जैसे जिक्र किया है तारा चंद नलवा जी ने, वाइस चेयरमैन है बरवाड़ा नगर पालिका के, उनका कहना है कि जो कर्मचारी हैं पुलिस कर्मचारी, उनके द्वारा गलत जो है गलत तरीके का व्यवहार किया गया है और उनको गाड़ियां दी हैं, जाति सूचक गाड़ियों का भी जिक्र आया है। तो अभी एक नॉर्मल सी बात है, अगर वाइस चेयरमैन है या चेयरमैन है, अगर जो पूरे बरवाड़ा के मौजूद लोग हैं जो सत्ता में हैं उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होने लग रहा है तो आम पब्लिक है जो आम नागरिक है उनके साथ ये व्यवहार होता होगा। तो वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।